हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। कैट करियर चैनल में आप सभी का स्वागत है। स्ट्रक्चर डिज़ाइन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर मैं हाजिर हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि स्टेयर में रिइंफोर्समेंट डिज़ाइन को ऑटो कैड में कैसे बनाया जाता है। मैं बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा, अगर आप पूरा वीडियो ध्यान से देखेंगे तो आपका कंसेप्ट ज़रूर क्लियर होगा और स्टेयर में रिइंफोर्समेंट का डिज़ाइन बनाने में आपको काफ़ी आसानी होगी। फ्रेंड्स, स्टेयर में दो तरह के रिइंफोर्समेंट यूज़ होते हैं, एक मेन बार, एक सेकेंडरी बार। यानी स्टेयर के वेस्ट स्लैब में मेन बार और सेकेंडरी बार का जाल बनाया जाता है। स्टेयर में मेन बार 10 mm डाया का यूज किया जाता है और सेकेंडरी बार 8 mm डाया का यूज किया जाता है। रिइंफोर्समेंट बार का डिस्ट्रीब्यूशन यानी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस स्ट्रक्चर डिजाइनर फिक्स करता है। वेस्ट स्लैब का थिकनेस 5 इंची होता है और वेस्ट स्लैब के टॉप मेन बार में दोनों इंच से 0.3L डिस्टेंस पे रिइंफोर्समेंट का कटिंग होता है। तो आइए मैं आपको स्टेयर में रिइंफोर्समेंट का डिज़ाइन करके दिखाता हूँ। इसके लिए आपको जिस पेज में स्टेयर का रिइंफोर्समेंट डिज़ाइन बनाना है उस पेज में यूनिट्स, लिमिट्स और डायमेंशन स्टाइल इंच और फीट में सेट कर लीजिए। मैंने ऑलरेडी इस पेज में यूनिट्स, लिमिट्स और डायमेंशन स्टाइल इंच और फीट में सेट करके रखा हुआ है। तो सबसे पहले मैं स्टेयर का स्टेप बना लेता हूँ और मान लेते हैं कि एक फ्लाइट में टोटल स्टेप 10 है और राइजर का हाइट 6 इंच और ट्रेड 10 इंच है। तो स्टेप बनाने के लिए लाइन कमांड को यूज़ करेंगे और सबसे पहले 6 इंच का एक वर्टिकल लाइन जो कि राइजर का काम करेगा और एक हॉरिजेंटल लाइन 10 इंची का बना लेंगे। उसके बाद कमांड से बाहर हो जाएंगे। अब इस दोनों को सिलेक्ट करके कॉपी कमांड को यूज़ करेंगे और फिर इसको इस तरीके से ऊपर की तरफ कॉपी करते चले जाएंगे। टोटल यहाँ पे मुझे 10 स्टेप बनाना है, यानी 10 राइजर यहाँ पर मुझे कम्प्लीट करना है। तो यहाँ पर मैं काउंट कर लेता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बाकी को मैं डिलीट कर देता हूँ। तो इस तरीके से 10 राइजर यहाँ पे आ चुके हैं, यानी स्टेयर इस पोजीशन से स्टार्ट होकर के इस पोजीशन पे आएगा। यहाँ पे स्टेयर का फर्स्ट लैंडिंग बनेगा। तो लैंडिंग बनाने के लिए लाइन कमांड को यूज़ करेंगे और इस पॉइंट से 4 फीट का एक लैंडिंग बना लेंगे। उसी तरीके से यहाँ पे भी फ्लोर लेवल दिखाना होगा, तो उसके लिए लाइन कमांड को यूज़ करेंगे और 5 फीट का एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये वाला जो लाइन है वो फ्लोर लेवल को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये वाला जो लाइन है वो लैंडिंग लेवल को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके बाद स्टेयर का वेस्ट स्लैब बनाते हैं। तो वेस्ट स्लैब का जो थिकनेस होता है वो 5 इंच होता है। तो ऑफसेट कमांड को यूज़ करेंगे और 5 इंच का ऑफसेट इससे नीचे की तरफ और इससे भी नीचे की तरफ लेंगे। अब यहाँ पे वेस्ट स्लैब बनाने के लिए सबसे पहले एक इंक्लाइन लाइन बनाना होगा। स्टार्ट पॉइंट से इसके इंड पॉइंट को लाइन से पहले मिला देंगे, उसके बाद ऑफसेट कमांड को यूज़ करेंगे और 5 इंच का ऑफसेट इससे बाहर की तरफ लेंगे और फिर एक्सटेंड कमांड को यूज़ करके इसको यहाँ तक एक्सटेंड कर लेंगे और इस दोनों को भी एक्सटेंड करके एक दूसरे से मिला देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टेयर के नीचे वेस्ट स्लैब भी बन चुका है। अब इसके बाद अगला स्टेप में बीम को रिप्रेजेंट करना होता है, यानी लैंडिंग वाले पोजिशन पे लैंडिंग बीम को और फ्लोर वाले पोजिशन पे फ्लोर बीम को। तो मान लेते हैं कि लैंडिंग वाला जो बीम है वो 10x15 का है, यानी 10 चौड़ाई और 15 उसकी गहराई। तो क्या करेंगे, लाइन कमांड को यूज़ करेंगे और ऊपर वाले पोजीशन से नीचे की तरफ 15 का एक लाइन लेंगे और फिर इस तरफ का डायरेक्शन दिखा करके 10 का एक लाइन लेंगे और उसको इससे मिला देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बीम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक इसी तरीके से फ्लोर बीम को भी रिप्रेजेंट करना होगा। तो मान लेते हैं कि फ्लोर बीम भी 10x15 इंच का है, तो उसके लिए लाइन कमांड को फिर से यूज़ करेंगे और इस पोजीशन से नीचे की तरफ 15 इंच और फिर इस तरफ 10 इंच और फिर इसको यहाँ से मिला देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये फ्लोर बीम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये जो बीम है वो स्टेयर के स्टार्टिंग पोजिशन पे ही मैंने क्यों दिया, एंडिंग पोजिशन पे मैंने क्यों नहीं दिया। तो वो डिज़ाइन पे डिपेंड करता है कि बीम कहाँ से क्रॉस कर रही है। तो मैं अभी मान लेता हूँ कि स्टेयर के स्टार्टिंग पोजिशन से ही फ्लोर बीम क्रॉस कर रही है। अब इसके बाद इसमें रिइंफोर्समेंट का डिज़ाइन बनाना है। उससे पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ कि ये जो स्टेयर है उसके लिए इस तरीके से सेटरिंग लगेगा और इस सेटरिंग के अंदर फिर मेन बार और सेकेंडरी बार का जाल बनता है। तो इस सेटरिंग से कुछ ऊपर क्लियर कवर को छोड़कर रिइंफोर्समेंट को बिछाया जाता है। स्टेयर में क्लियर कवर 15 mm लिया जाता है। वेस्ट स्लैब के टॉप और बॉटम में जो रिइंफोर्समेंट यूज होता है उसको मेन बार कहते हैं और वेस्ट स्लैब में मेन बार को सपोर्ट करने के लिए सेकेंडरी बार का भी यूज होता है। तो अब यहाँ पे रिइंफोर्समेंट का डिजाइन बनाते हैं और क्लियर कवर रखने के लिए ऑफसेट कमांड को यूज करेंगे और 1 इंच का ऑफसेट इससे नीचे की तरफ और इससे ऊपर की तरफ
और इससे नीचे की तरफ और इससे ऊपर की तरफ और यहाँ भी इससे नीचे की तरफ और इससे ऊपर की तरफ ले लेंगे। अब यहाँ पे ट्रिम और एक्सटेंड कमांड को यूज करके इसको सेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ट्रिम कमांड को यूज करता हूँ और इसको ट्रिम कर लेता हूँ, और फिर एक्सटेंड कमांड को यूज करके इस दोनों को एक्सटेंड कर लेता हूँ। उसी तरीके से यहाँ पे ट्रिम करके इस दोनों को ट्रिम कर लेता हूँ, और यहाँ पे भी ट्रिम कमांड को यूज करके ये इसके आगे इसको ट्रिम कर लेंगे, और फिर से यहाँ पे ट्रिम कमांड को यूज करके इसको ट्रिम कर लेंगे। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट आपको समझनी होगी कि वेस्ट स्लैब का बॉटम मेन बार लैंडिंग वाले टॉप मेन बार से जाके मिलेगा, और वेस्ट स्लैब का टॉप मेन बार लैंडिंग वाले बॉटम मेन बार से जाकर के मिलेगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सटेंड कमांड को यूज करेंगे और इसको बाउंड्री मान करके इसको आगे तक एक्सटेंड कर लेंगे, और फिर से एक्सटेंड कमांड को यूज करके इसको यहाँ तक एक्सटेंड करेंगे, और ट्रिम कमांड को यूज करके इसको ट्रिम कर लेंगे। और यहाँ पे लैंडिंग वाला जो टॉप मेन बार है वो यहाँ से स्लाइड होकर के इस वेस्ट स्लैब में आकर के मिलेगा। तो उसके लिए फिर से ऑफसेट कमांड को यूज करेंगे और 1 इंच का ऑफसेट इसके इस तरफ लेंगे, और ट्रिम कमांड को यूज करके इस दोनों को ट्रिम कर लेंगे, और इसको सिलेक्ट करके इसके बीच में ला करके इस तरीके से इसको सेट कर लेंगे। अब यहाँ पे एक बात और है कि जो वेस्ट स्लैब का बॉटम मेन बार है वो लैंडिंग के टॉप मेन बार से जाकर के मिला है, और ये आगे की तरफ एज इसका निकला हुआ रहता है, यानी ये जो बॉटम मेन बार है वेस्ट स्लैब का वो लैंडिंग के टॉप मेन बार में 12 इंच तक आगे की तरफ बढ़ा रहता है। तो उसको दिखाने के लिए लाइन कमांड को यूज करेंगे और 12 इंच का एक लाइन बनाएंगे। उसके बाद यहाँ से ऑर्थो को ऑफ कर लेंगे, और फिर इसको बाहर की तरफ इस तरीके से एज इसका निकाल देंगे, ताकि ये पता चल सके कि ये जो वेस्ट स्लैब का बॉटम मेन बार है वो लैंडिंग के टॉप मेन बार से जाकर के मिला हुआ है, वो आगे की तरफ बढ़ करके इस तरीके से आगे कट गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेन बार का डिजाइन बन चुका है। इसके बाद सेकेंडरी बार का डिजाइन बनाना होता है। तो सेकेंडरी बार का डिजाइन बनाने के लिए सर्किल कमांड का यूज करेंगे और 0.5 का एक सर्किल ड्रॉ करेंगे। उसके बाद इसको फिल करना होता है। फिल इसलिए करते हैं क्योंकि इसके ऊपर जो सेकेंडरी बार होता है वो इस साइड से फिल किया हुआ नजर आएगा, यानी जो रिइंफोर्समेंट होगा वो सामने से पूरा फिल किया हुआ नजर आएगा। तो फिल करने के लिए डू नॉट कमांड को यूज करेंगे और इनसाइड डायमीटर 0 रखेंगे, और आउटसाइड वाला जो डायमीटर होगा वो 1 रख करके इसको फिल कर लेंगे। उसके बाद कॉपी कमांड को यूज करेंगे और इसका बॉटम वाला क्वाड्रेंट पकड़ेंगे, और सबसे पहले इसको यहाँ पे इस तरीके से नीचे में फिक्स कर लेंगे, और फिर से इसको सिलेक्ट करके कॉपी कमांड को यूज करेंगे और टॉप वाला क्वाड्रेंट पकड़ के इसको ऊपर की तरफ इस तरीके से फिक्स कर लेंगे, ताकि एक दूसरे के सामने ना रहे, थोड़ा सा आगे पीछे गैप बना रहे। अब ये जो सेकेंडरी बार है इस मेन बार पे 8 इंच सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस पे फिक्स किया हुआ रहता है। तो इसको दिखाने के लिए इस दोनों को सिलेक्ट करेंगे और कॉपी कमांड को यूज करके सबसे पहले यहाँ से ऑर्थो कोण करेंगे और बेस पॉइंट सिलेक्ट करके इस तरफ का डायरेक्शन दिखाएंगे, और 8 इंच के डिस्टेंस पे इसको कॉपी करते चले जाएंगे। ठीक इसी तरीके से इस इनक्लाइन वाले मेन बार पे भी इस वाले रिइंफोर्समेंट को अरेंज करना होगा। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ से UCS को इस इनक्लाइन के अकॉर्डिंग चेंज करना होगा। तो उसके लिए UCS कमांड को यूज करेंगे और यहाँ से ऑब्जेक्ट वाला ऑप्शन को चूज करेंगे, उसका कैपिटल लेटर है OB, और फिर इंटर की प्रेस करके इस इनक्लाइन वाले लाइन को सिलेक्ट करेंगे। तो आप देखेंगे कि आपका UCS जो है अब उस लाइन के अकॉर्डिंग हो चुका है। अब क्या करना होगा, इसको सिलेक्ट करके सबसे पहले कॉपी कमांड को यूज करेंगे और नीचे वाला क्वाड्रेंट को सिलेक्ट करके इस जगह पे फिक्स करेंगे, और फिर से इसको कॉपी कमांड को यूज करके इस बार ऊपर वाला क्वाड्रेंट पकड़ के इसको यहाँ पे फिक्स कर लेंगे, और ये जो एक्स्ट्रा है इसको डिलीट कर लेंगे। अब फिर से इसको कॉपी करेंगे और 8 इंच डिस्टेंस पे कॉपी करते चले जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने पूरे को कॉपी कर लिया है। अब इसके बाद मेन बार में कट लगाते हैं, यानी ये जो इंक्लाइन वाला पोजिशन है उसके टॉप मेन बार में कट होता है। तो उस कट को दिखाने के लिए क्या करना होगा, इसके एंड पॉइंट पे, इस पोजीशन के एंड पॉइंट पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और इस पोजीशन के एंड पॉइंट पे भी एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और सबसे पहले इस दोनों के बीच का डायमेंशन चेक करेंगे। यहाँ पे ये शो कर रहा है 9 फीट।
तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि स्टेयर के फ्लाइट के टॉप मेन बार में दोनों इंड से 0.3L डिस्टेंस पे रिइंफोर्समेंट का कट होता है, यानी ये 9 फीट इस दोनों इंड पॉइंट का डिस्टेंस जो है वो 9 फीट निकला है, तो इस पोजीशन से 0.3L डिस्टेंस पे और इस पोजीशन से 0.3L डिस्टेंस पे ये जो टॉप मेन बार है वो कट किया हुआ रहेगा। तो यहाँ पे 0.3L वाला पोजीशन निकालने के लिए सबसे पहले इस इंड से इस इंड के डिस्टेंस को इंच में कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी 9 फीट को इंच में कन्वर्ट करेंगे तो 108 इंच होगा। अब 108 इंच को कैलकुलेशन कमांड की हेल्प से 0.3L से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 32.4, इसको 33 मान लेते हैं। तो इसका ये मतलब हुआ कि इस वाले इंच से 33 और इस वाले इंच से 33 वाले पोजीशन पे ऊपर वाला जो टॉप मेन बार है वो कट होगा। तो अब क्या करेंगे, इसका काम खत्म हो गया, इसको डिलीट कर लेते हैं और फिर ऑफसेट कमांड को यूज करके 33 का ऑफसेट इस साइड से इस तरफ और इस साइड से इस तरफ ले लेते हैं, और फिर एक्सटेंड कमांड को यूज करके ये टॉप मेन बार है इसको सिलेक्ट करके यहाँ तक एक्सटेंड कर लेते हैं। अभी ये जो ऊपर में जो ये लाइन देख रहे हैं इसका कोई काम नहीं है, इसको मैंने बनाया था इस टॉप मेन बार को बनाने के लिए, तो उसको मैं अभी डिलीट कर देता हूँ। अब क्या करना होगा, ट्रिम कमांड को यूज करना होगा और इसको बाउंड्री मान के ऊपर वाला टॉप मेन बार को ट्रिम कर लेंगे, और ये जो है इसको डिलीट कर लेंगे, इसको भी 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 डिलीट कर लेंगे। अब यहाँ पे 0.3L को रिप्रेजेंट करना होगा, उसके लिए डायमेंशन कमांड को यूज करेंगे और इस पोजीशन से इस पोजीशन का डायमेंशन करेंगे, ये आया 2 फीट 9 इंच। अभी इसको करना है 0.3L, तो क्या करना होगा, इस पे डबल क्लिक करके एडिट वाले ऑप्शन में चले जाएंगे और इसको 0.03L कर लेंगे और फिर यहाँ से ओके करेंगे। उसी तरीके से इस साइड भी सेम वही प्रोसीजर अपनाना होगा और इस पोजीशन से इस पोजीशन का डायमेंशन करना होगा, ये आएगा 2 फीट 9 इंच, फिर इसको डबल क्लिक करेंगे और एडिट में जा करके इसको करेंगे 0.3L और फिर यहाँ से ओके कर देंगे। उसके बाद इस लाइन का काम खत्म हो गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नीचे से जो टॉप मेन बार गया है वो 0.3L वाले पोजीशन पे कट हो गया, और ऊपर से जो नीचे की तरफ टॉप मेन बार आ रहा है वो भी 0.3L वाले पोजीशन पे कट हो चुका है। अब यहाँ पे इंक्लाइन वाले UCS का काम खत्म हो गया है, तो उसको फिर से प्रीवियस UCS में लाने के लिए UCS कमांड को यूज करेंगे और यहाँ से प्रीवियस वाले ऑप्शन के लिए P लिख करके एंटर की प्रेस करेंगे, तो आप देखेंगे कि वो फिर से प्रीवियस वाला जो UCS जो पहले था वही आ चुका है। अब इस लैंडिंग के टॉप मेन बार और बॉटम मेन बार में भी सेकेंडरी बार को रिप्रेजेंट करना होगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से सर्किल कमांड को यूज करेंगे और 10-10 रेडियस की मेथड से फर्स्ट टेंजेंट, सेकंड टेंजेंट और 0.5 का एक सर्किल यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे, और यहाँ पे कॉपी कमांड की हेल्प से इसको कॉपी करके इसके सेंटर पे फिक्स कर लेंगे ताकि ये फिल हो जाए। और अब ये जो एज बाहर की तरफ निकला हुआ है उसको फिलेट कमांड की हेल्प से 0.5 का रेडियस लेकर के उसको फिलेट कर लेंगे। उसके बाद फिर से इसको कॉपी कमांड को यूज करेंगे और बॉटम वाला क्वाड्रेंट पकड़ के इस पोजीशन पे इसको सेट कर लेंगे और फिर से कॉपी कमांड को यूज करके 8-8 के डिस्टेंस पे इसको कॉपी करते चले जाएंगे। अब ये जो लैंडिंग वाला टॉप और बॉटम मेन बार है वो इस बीम में आकर के रेस्ट कर जाता है, तो उसको भी दिखाने के लिए ऑफसेट कमांड को यूज करेंगे और 1 इंच का इस तरीके से ऑफसेट ले लेंगे और फिर फिलेट कमांड को यूज करेंगे, इसको इससे फिलेट करेंगे और इसको इससे फिलेट करेंगे, और फिर इस वाले लाइन को सिलेक्ट करके ऊपर की तरफ और इस वाले लाइन को सिलेक्ट करके इस तरीके से स्ट्रेच कर लेंगे और फिर लाइन कमांड को यूज़ करेंगे, यहाँ से ऑर्थो को ऑफ कर लेंगे और इस पोजीशन से इसको और इस पोजीशन से इसको इस तरीके से दिखा देंगे कि ये जो लैंडिंग वाला जो टॉप और बॉटम मेन बार है वो बीम में आकर के रेस्ट कर गया है। ये यहाँ पे एक्स्ट्रा दिखाया हुआ है, इसको यहाँ से डिलीट कर लेते हैं। अब यहाँ पे फिर से ट्रिम कमांड को यूज़ करेंगे और इसको ट्रिम कर लेंगे और एक्सटेंड कमांड की हेल्प से इसको आगे तक बढ़ा करके ये इरेज हो जाएगा और ये ट्रिम हो जाएगा। तो इस तरीके से ये वेस्ट स्लैब और बीम एक दूसरे से अटैच रहेगा। अब आप यहाँ पे चाहें तो बीम का साइन दिखाने के लिए इस तरीके से लाइन बना सकते हैं और इस दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ से हिडन लाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप चाहें तो बीम का साइन दिखा सकते हैं इस तरीके से,
ताकि ड्राइंग में ये पता चल सके कि वहाँ पे ये बीम है। अब इसके बाद रिइंफोर्समेंट का नेमिंग किया जाता है, यानी कौन सा रिइंफोर्समेंट मेन बार है और कौन सा रिइंफोर्समेंट सेकेंडरी बार है, और कौन सा रिइंफोर्समेंट कितने एमएम डाई का यूज किया गया है और कितने इंच सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस पे उसको फिक्स करना है। तो सबसे पहले मैं सेकेंडरी बार को रिप्रेजेंट करता हूँ, तो उसके लिए लाइन कमांड को यूज करेंगे और लाइन कमांड को यूज करके दो तीन सेकेंडरी बार को इस तरीके से इंडिकेट कर लेंगे ताकि ड्राइंग में पता चल सके कि ये वाला जो लाइन है वो ये तीनों रिइंफोर्समेंट को दिखाया गया है। अब यहाँ पे टेक्स्ट कमांड को यूज करते हैं, तो कमांड में टाइप करेंगे dt जस्टिफाई मिडिल और कहीं पे क्लिक करके हाइट ले लेते हैं 3, रोटेशन एंगल 0। अब यहाँ पे सबसे पहले ये पुट करना है कि ये जो रिइंफोर्समेंट है यानी कि सेकेंडरी बार वो कितने mm डाया का है। तो जैसा कि मैंने बताया कि सेकेंडरी बार 8 mm डाया का यूज होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 8 और डाया का सिंबल दिखाने के लिए %C उसके बाद @ डालेंगे। अब सेकेंडरी बार कितने इंच सेंटर टू सेंटर पर फिक्स करना है वो यहाँ पे डालना होगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि सेकेंडरी बार 8 इंच सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस पे फिक्स करना होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 8 इंच और फिर सेंटर ओब्लिक सेंटर डालेंगे, तो ये सेंटर टू सेंटर को रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद स्पेस डाल के ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे लिखेंगे SEC और डॉट डाल के फिर ब्रैकेट बंद कर देंगे और फिर इंटर की प्रेस करके कमांड से बाहर हो जाएंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाला जो लाइन है वो ये तीनों को रिप्रेजेंट कर रहा है और उसके नीचे जो लिखा हुआ है उससे ये पता चलता है कि ये जो है वो सेकेंडरी बार है, 8 mm डाया का यूज है और 8 इंच सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस पे इसको फिक्स करना है। इसी तरीके से अब मेन बार को भी रिप्रेजेंट करना होगा, तो उसके लिए मैं फिर से लाइन कमांड को यूज करता हूँ और यहाँ से एक लाइन और यहाँ से एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं और फिर इसको कॉपी कमांड को यूज करके यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि मेन बार 10 mm डाया का यूज होता है, तो क्या करना होगा, इसको टेक्स्ट एडिट कमांड की हेल्प से सबसे पहले इसको 10 करना होगा, डाया रहने देना होगा, @ रहने देना होगा। अब 8 इंच को चेंज करके इसको करना होगा 4, यानी मेन बार जो होता है वो 4 इंच सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस पे फिक्स किया जाता है। ये मिनिमम डिस्टेंस है, ये बढ़ भी सकता है, यानी RCC जो डिजाइनर होते हैं, स्ट्रक्चर डिजाइनर जो होते हैं, इस डिस्टेंस को फिक्स करते हैं कि कितने इंच सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस पे मेन बार को रखना है। जब आप इसका डिजाइन करेंगे तो आपको बता दिया जाएगा कि मेन बार कितने सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस पे फिक्स करना है और सेकेंडरी बार कितने इंच सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस पे रखना है। जनरली सेकेंडरी बार को 8 इंच सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस पे रखते हैं और मेन बार को 4 इंच सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस पे रखते हैं। उसके बाद अब इसको करना होगा मेन और फिर इंटर की प्रेस करके कमांड से बाहर हो जाएंगे। उसके बाद ये वाला बीम रिप्रेजेंट करना होगा कि ये लैंडिंग बीम है, तो उसके लिए फिर से लाइन कमांड को यूज करेंगे और बाहर की तरफ एक लाइन ड्रॉ करके इसको कॉपी कर लेंगे इस टेक्स्ट को और यहाँ पे इसको पुट करके इसको कर देंगे लैंडिंग बीम। और उसी तरीके से ये वाला जो बीम है वो फ्लोर बीम है, तो इसको भी रिप्रेजेंट करने के लिए लाइन इंडिकेट करके इसको यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको कर देते हैं फ्लोर बीम। और ये जो वेस्ट स्लैब है वो 5 इंच थिकनेस का है, उसको भी रिप्रेजेंट करने के लिए कॉपी कमांड को यूज करेंगे और बगल में यहाँ पे लिख लेंगे वेस्ट स्लैब 5 इंच थिक। अब ये जो फ्लोर लेवल है इसको भी रिप्रेजेंट करना होगा, तो उसके लिए लाइन कमांड को यूज करके फिर से इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे इसको रख लेंगे और इसको डबल एडिट करके इसको कर देंगे फ्लोर लेवल। और ये जो लेवल है वो लैंडिंग लेवल है, इसको भी इंडिकेट करके इस तरीके से बाहर में दिखा सकते हैं और इसको कर देंगे लैंडिंग लेवल। लैंडिंग तो पहले से लिखा हुआ है, इसको कर देते हैं लेवल। और ये जो आगे की तरफ 1 फीट निकला हुआ है इसका भी डायमेंशन आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा और ये आप इस तरीके से दिखा सकते हैं। उसके बाद इस फ्लोर लेवल को ब्रेक लाइन सिंबल की हेल्प से क्लोज कर देंगे ताकि ये पता चल सके कि ये जो फ्लोर लेवल है वो आगे तक गया हुआ है। तो इसी तरीके से स्टेयर में रिइंफोर्समेंट का डिजाइन किया जाता है।
उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको काफी सीखने को मिला होगा। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर इस वीडियो से आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।